हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल नो अबाउट यूजीसी। हम आज जानेंगे यूजीसी क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूजीसी 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। यूजीसी फॉर्मली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था वायलेट सीरी मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय का एडुकेशन मिनिस्टर था। और डेट था 28 दिसंबर और ईयर है 1953। यूजीसी का ऑफिस ये बहादुर शाह जाफर मार्ग न्यू दिल्ली में है। यूजीसी का और भी ब्रांचेस है, रीजनल ऑफिस जैसे गुवाहाटी में है रीजनल ऑफिस, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का रीजनल ऑफिस गुवाहाटी में है। फिर ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है, ये कोलकाता में है। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड सिक्किम को लेके ईस्टर्न रीजन है। फिर साउथ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है, ये बेंगलोर में है। और स्टेट जो कवर करते हैं इसमें केरला, कर्नाटका एंड लक्षद्वीप। साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है, ये हैदराबाद में है। और जो स्टेट कवर करते हैं वो आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, आंदामान एंड निकोबार एंड तमिलनाडु एंड तेलंगाना। वेस्टर्न रीजनल ऑफिस जो पुणे में है वो स्टेट कवर करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दामन दीव। सेंट्रल रीजनल ऑफिस ये भोपाल में है, ये स्टेट कवर करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ये दिल्ली में है एक्चुअली, ये स्टेट कवर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंड उत्तराखंड। अभी हम थोड़ा डिटेल जानेंगे कि ये यूजीसी का काम क्या है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ UGC का जो दिया है, UGC has the unique distinction of being the only grant-giving agency in the country which has been vested with two responsibilities, that is of providing funds and that of coordination, determination and maintenance of standards in institution of higher education. Actually, UGC का काम है जो universities में, state में, कंट्री में जितना भी यूनिवर्सिटीज है वो सारा यूनिवर्सिटीज का जो फंड प्रोवाइडिंग जो एजेंसी वो UGC ही है। उसके अलावा और भी UGC का काम है वो हम आगे बता रहे हैं। UGC का जो कुछ मैंडेट है, मैंडेट में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि UGC का एक्चुअली क्या काम है। वो पहला तो आता है कि प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। UGC पूरा देश भर में जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और जितना प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सारा यूनिवर्सिटीज को UGC ही रेगुलेट करते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का UGC से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो वो एक फेक यूनिवर्सिटी है। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फेक यूनिवर्सिटी वही है जो UGC से रिकॉग्नाइज नहीं है। हमारा इंडिया में जितना भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज का कंट्रोलिंग अथॉरिटी UGC है। यूनिवर्सिटी ऐसे बनते हैं कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि तेजपुर यूनिवर्सिटी, तो वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया तेजपुर यूनिवर्सिटी नाम से। और जब वो एक्ट पास होता है फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है UGC में रिकॉग्नाइज होती है। तो एक यूनिवर्सिटी होने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक तो पहले तो एक एक्ट चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एक एक्ट चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा UGC से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं।
determining and validating standards of teaching, examination, research and universities. UGC क्या करते हैं? Universities में क्या पढ़ाया जाएगा? कि सर कैसा qualification होगा? Student का examination क्या होगा? Research paper कैसे होगा? ये सारा UGC regulate करते हैं. Sorry, framing regulation on minimum standard of education. UGC एक मिनिमम स्टैंडर्ड बना देते हैं कि देश भर में एजुकेशन का सिस्टम जो है ये इसके हिसाब से चलेगा. मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ये एक्चुअली देश में यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाई चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारा मॉनिटरिंग भी यूजीसी करते हैं. इसलिए बहुत सारा रीजन में यूजीसी का ऑफिस है. फिर सर्विंग एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग. और क्या करते हैं, ये एक लिंक हब की तरफ काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज से लिंक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक लिंक जो एक मिडिल है, एक हब टाइप का है, वो भी यूजीसी है. और क्या करते हैं, एडवाइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स नेसेसरी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है यूजीसी कि एजुकेशन का सिस्टम अब कैसे होगा, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए ये सब करना चाहिए, यही यूजीसी करता है. तो अल्टीमेटली हम लोग यही समझा कि बिना यूजीसी के हमारा देश में हायर एजुकेशन का हम सोच ही नहीं सकते हैं. अल्टीमेटली यही है कि हमारा देश में जितना भी हायर एजुकेशन वाली इंस्टीट्यूशन है, जितना भी यूनिवर्सिटीज है, वो सबका बाप है, गार्जियन है यूजीसी. तो फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ. आप लोग मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे. तो आज थैंक यू.